Okay, good morning class 8. Today we are going to start a very new chapter, that is chapter number 4, reproduction. Students, reproduction is a process by which living being produce copies of themselves. ये एक process है जिसमें कोई भी living organism अपना ही copy बनाता है. जैसे इंसान बनाएगा अपना छोटा सा बच्चा, कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगा, घोड़ा घोड़े को जन्म देगा. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी स्पीसीज हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. ठीक है, नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मैंने बताया था पहले ही कि क्या क्राइटेरियाज हैं जिससे हम पता करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है. और उसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया था आपको, गुड मॉर्निंग NCERT. जी फॉर गुड, जी फॉर ग्रोथ, एम फॉर मॉर्निंग, एम फॉर मूवमेंट. सो गुड मॉर्निंग यानी ग्रोथ एंड मूवमेंट, ये दो चीज़ें. उसके बाद एन फॉर न्यूट्रिशन, सी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सर्कुलेशन, ये सब सी से होते हैं. ई फॉर एक्सक्रीशन, आर फॉर रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन. ठीक है, टी फॉर ट्रांसपोर्ट. तो ये कुछ प्रोसेसेस थे जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं. ठीक, नाउ रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग टू कंटिन्यू देयर जेनरेशन, है ना. इन मेनी सिंपल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस असेक्सुअली, बट इन हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स इट टेक्स प्लेस सेक्सुअली. नाउ व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट वी आर गोइंग टू डील. हालांकि हम लोगों ने सेक्सुअल असेक्सुअल ये पार्ट क्लास 7 में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको डील किया था, बट दैट वॉज रिलेटेड टू प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एंड देयर वी हैव डिस्कस्ड कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल. मीन्स यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट विल जेनरेट द ऑफस्प्रिंग, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड अदर फीमेल आर रिक्वायर्ड. ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंट इंडिविजुअल चाहिए. ठीक है, सो देयर वी हैव स्टडीड अबाउट असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हियर वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सेल विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल टू प्रोड्यूस अ सिंगल सेल दैट इज नोन एज जायगोट. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा. फ्यूजन कहते हैं मिलने को. ठीक है, दो चीज़ें फ्यूज करके जुड़ेंगी, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम स्पर्म बोलेंगे, है ना, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम ओवम बोलेंगे. ओवम, इसका प्लूरल ओवा होता है. ठीक है, और इन दोनों को ना हम लोग गैमिट भी कहते हैं. गैमिट एक सिंगल टर्म होगा रिप्रोडक्टिव सेल के लिए. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, टू रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना, वन इज मेल सेल दैट इज स्पर्म एंड फीमेल सेल दैट इज ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. इन एनिमल्स द मेल सेल दैट इज मेल गैमिट ऑल्सो नोन एज स्पर्म, ऑन द अदर हैंड फीमेल सेल, फीमेल गैमिट इज नोन एज ओवम, इसका प्लूरल होगा ओवा, और इसको अंडे भी कहते हैं, एग्स. ठीक है, अब देखते हैं इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट या फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल एग ओवम. ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इनके दो टाइप होते हैं. पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन सम एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, द फीमेल डिस्चार्ज मेनी एग्स इन टू वाटर एंड द मेल डिस्चार्ज स्पर्म क्लोज टू द एग्स एंड द स्पर्म स्विम टू द एग्स एंड फर्टिलाइज देम.
इन हायर एनिमल्स लाइक लिजार्ड कोकोडाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन सो व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देन द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओके मैमल्स आर एनिमल दैट हैव बेबीज विच आर नर्स्ड बाय देयर मदर ऑन अदर एनिमल्स लाइक बर्ड्स क्रोकोडाइल्स स्नेक्स लिजर्ड्स ले एग्स ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं फिर उनकी ना पूरी देखभाल पालन पोषण होता है तब जा करके वो फिर बड़े होते हैं बट कुछ जानवर ऐसे हैं जैसे कि बर्ड्स हैं क्रोकोडाइल्स हैं स्नेक्स हैं लिजर्ड्स हैं ये अंडे देते हैं There are some exceptional mammals like the platypus and the spiny anteater and echidna which lay eggs. और ऐसे बहुत सारे mammals भी हैं जो कि exceptional हैं ये भी अंडे देते हैं हालांकि इनको भी अपने बच्चे को पालन पोषण करना होता है ना जैसा कि हमने ऊपर हायर एनिमल्स में देखा कि वो बच्चे जन्मते भी हैं जन्म देने के बाद फिर उनका पालन पोषण करना पड़ता है तो ये दूसरे ऐसे मैमल्स भी हैं जिनको जन्म तो नहीं देना होता देते तो वो अंडे ही हैं लेकिन उनका पालन पोषण उनको करना पड़ता है ठीक है अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन मैन ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है अब हम लोग इसको देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मैन एंड हाउ अ बेबी डेवलप्स एंड इज बॉर्न यू मस्ट फर्स्ट नो अबाउट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए कैसे ये मेल में ये पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है इसको जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनके जो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैं ऑर्गन्स हैं इनको क्या कहते हैं कैसे ये होते हैं क्या इनका फंक्शन होता है एंड हाउ दिस हैपन्स है ना सो वी नीड टू स्टडी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट वी कॉल इट MRS मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम The male reproductive system consists of organs like testes, इसका singular होता है testis और testes यानि plural. They start producing sperms at puberty. अब ये puberty क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे Puberty is the stage at which a person attains sexual maturity or becomes capable of reproduction. ये वो स्टेज होता है ये वो उम्र होती है ये वो एज होता है जिस पर एक इंसान सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी परिपक्वता जो होती है वो उस लायक हो जाते हैं वो अचीव करते हैं यानी दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन ठीक है चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो ये दोनों के अंदर ये बातें आएंगी अब क्या है विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर बट सी The next figure here. We have the figure urinary bladder है जहाँ हमारा यूरिन स्टोर होता है फिर वहाँ से वास डिफरेंस चलता है अब वास डिफरेंस को आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है हमारे टेस्टिस के ऊपर एक एपिडिडाइमिस है ना टेस्टिस है उसके ऊपर एपिडिडाइमिस है और ये वॉल वहीं से चल के ऊपर जाता है वास डिफरेंस बन के ठीक है फिर वो वापस आता है उस पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं और वो वापस आता है फिर यूरेथ्रा की तरफ टर्न होता है और स्किन ऑफ पेनिस ऊपर में है ये देख लीजिए स्पर्म का जो फिगर है वो आप देखिए बी फिगर जो है 4.2 का बी फिगर स्पर्म उसमें देखिए उसका एक हेड पार्ट है एक टेल पार्ट है ठीक है नाउ सी व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर द फंक्शंस द टेस्टिस लाई इन अ सैक पहले तो ये टेस्टिस कहाँ होता है एक सैक के अंदर होता है जिसका नाम है स्क्रोटल सैक which is located outside the abdominal cavity. Abdominal यानी जो पेट होता है हमारा जो पेट की कैविटी है हमारी जो इसको पेरू बोलते हैं जो भी है abdominal cavity के ये बाहर होता है क्यों बाहर होता है पता है क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए ह्यूमन बॉडी की जो टेम्परेचर है ना बॉडी टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए इसको बाहर होना होता है बॉडी के ठीक है दे प्रोड्यूस स्पर्म्स इन लार्ज नंबर And the sperm collect and mature in a tube called epididymis. अब मैंने बताया ना कि epididymis देखिए ठीक हमारा जो testis है उसके ठीक ऊपर है ठीक है From here they travel through a muscular tube called vas deferens. Vas deferens के अंदर ये
खुलते हैं, निकल के जाते हैं मैच्योर होके, ठीक है। दैट वॉट्स डिफरेंस नाउ फाइनली ओपन्स इनटू यूरेथ्रा व्हिच इज लाइज इनसाइड द पेनिस। एज द स्पर्म ट्रैवल थ्रू द वास डिफरेंस सिक्रीशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स पावर इन। अब आप देख रहे होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसाइकल्स हैं। ये जो फिगर है आपका ऊपर में, उसको आप देखिए, ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड, और अंदर में जो हड्डी टाइप से दिख रहा है रिब केज टाइप, वो है हमारा सेमिनल वेसाइकल्स। ये कुछ सिक्रीशंस देते हैं, कुछ मिल्की टाइप का सिक्रीशन होता है वो ये देते हैं, और जब ये स्पर्म के साथ मिल जाते हैं, द मिक्सचर ऑफ सिक्रीशंस एंड द स्पर्म, जब स्पर्म के साथ वो सिक्रीशन मिल जाते हैं तो उनके मिक्सचर को कहते हैं हम सीमेन। सीमेन कंटेन्स द स्पर्म एंड इट इज़ ट्रांसफर्ड इन टू द वजाइना और द ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वजाइना फीमेल पार्ट है, तो हम लोग फीमेल के जब FRS पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पर हम देखेंगे कि वजाइनल ओपनिंग क्या है, है ना। द ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाई द पेनिस, इसमें पेनिस के द्वारा ये सिक्रीशन जो है वो इंटर किए जाते हैं। नाउ स्पर्म हैव अ हेड एंड अ लॉन्ग टेल दैट वी आर ऑलरेडी सीइंग इन फिगर नंबर 4.2B, है ना। द टेल हेल्प्स देम स्विम टुवर्ड्स द ओवम। अब ये जो टेल है ये स्पर्म को हेल्प करता है मूव करने में, ट्रेवल करने में, और ये कहाँ तक पहुँचते हैं स्विम करके, ओवम तक, ठीक। नाउ विल स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ओवरीज और द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ वीमेन, ठीक है। द फीमेल दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा व्हेन अ गर्ल रीचेस प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट इट इज अ स्टेज वेयर अ पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो उस स्टेज पर जो 12 या 13 साल में होता है, उस स्टेज पर क्या होता है कि इनकी जो ओवरी है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ओवा को, ठीक है। यूजुअली आइदर ऑफ द ओवरी प्रोड्यूसेस द वन ओवम एवरी मंथ, हर महीने ये एक ओवा प्रोड्यूस करेंगे। ओवर ईच ओवरी इज़ अ मस्क्यूलर ट्यूब, उसके ऊपर एक मस्क्यूलर ट्यूब है, आप फिगर को देखिए ऊपर में, उसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, एंड्स इन द फाइनल इन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये उंगली की तरह से एक प्रोजेक्शन है, उसकी तरफ वो खुलता है ना। दिस ट्यूब कैरीज द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूटरस। अब ये ओवरी से उस ओवा को यूटरस की तरफ लाता है। अब देखिए बीच में जो ये ओपनिंग है, बड़ा सा एरिया है, उसमें वो उसको यूटरस बोलते हैं, वुम भी कहते हैं कई बार, एंड इट इज़ कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक, दोनों नाम है इसका। द यूटरस इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, इट्स लोअर पोर्शन कॉल्ड द सर्विक्स। अब देखिए सर्विक्स है, उसके ठीक नीचे फिर इज कनेक्टेड टू वजाइना विच इज ओपन्स टू द आउटसाइड, और ये बाहर को खुलता है। द ओवरीज आर अटैच टू द यूटरस बाई लिगामेंट्स, और जो ओवरीज हैं वो यूटरस से लिगामेंट्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। नाउ अब आप समझ चुके हैं कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ बर्थ कैसे होता है, ठीक है। तो ये पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हम अगले वीडियो में हम इसको दिखाएंगे। थैंक यू।